सोलन में हथियार दिखाकर धमकाकर दहशत मचाने वाले दहशतगर्दों को 4 दिनों का पुलिस रिमांड मिला है। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने सोलन के पुराने वस्टेड के समीप एक व्यापारी के कार्यालय में पिस्टल दिखाकर व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी थी और उसे करोड़ों रुपए देने के लिए दबाव बनाया था, लेकिन वहाँ पुलिसकर्मी देख कर वो वहाँ से 9-11 हो गए थे। पुलिस उनका लगातार पीछा कर रही थी और उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी, जिन्हें हरियाणा से पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी हासिल की। आज उन्हें न्यायालय में पेश किया गया और उनकी शिनाख्त परेड करवाई गई। अधिक जानकारी देते हुए जिला सोलन पुलिस अधीक्षक मधुसूदन शर्मा ने बताया कि पकड़े गए आरोपी हरियाणा के हैं, उनकी आज शिनाख्त करवाई गई। ये वही आरोपी निकले जो व्यापारी के कार्यालय में हथियार लेकर घुसे थे। उन्होंने बताया कि आज न्यायालय में पकड़े गए दोनों अपराधियों को 4 दिनों के रिमांड पर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि अब दोनों अपराधियों से शक पूछताछ की जाएगी और तीसरे दहशतगर्द की तलाश कर उसे भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा अभी तक अपराधियों से हथियार नहीं मिला है, उसकी तलाश भी जल्द ही की जाएगी और इस घटना का मास्टरमाइंड कौन है उसका भी खुलासा जल्द किया जाएगा। 4 दिन का पुलिस रिमांड मिला है, आगे की तहकीकात करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो बाकी के जितने भी हमारे पास एविडेंसेस बचे हैं उनको हम पूरा करें। ये हरियाणा के हैं जो हमें मेरे को बताया गया है, हरियाणा के हैं, बाकी तफ्तीश अभी जारी है। अभी जैसे पुलिस की जो अन्वेषण है उसमें जो जो कार्रवाइयाँ होती हैं वो कार्रवाइयाँ करेंगे ताकि हम जो अपराध किया है उसके बारे में पूरा विवरण प्राप्त कर सकें। अभी तक की इन्वेस्टिगेशन से यही लग रहा है, लेकिन हम बंदूक जो भी इन्होंने हथियार लहराया था उसकी रिकवरी करनी बाकी है।